हाय एवरीवन, तो आज हम जा रहे हैं अपने दोस्त के यहाँ और वहाँ जाके हम कुकिंग करेंगे एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। तो चलो इस जर्नी में आप भी मेरे साथ आइए और एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। क्या बना रहे हो प्रिया? हमारे यहाँ इसको लाई बोलते हैं बिहार में, लाई गुजिया। और हमारे इसमें इसको मुरमुरा बोलते हैं, मुरमुरी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको तो गुजिया ही बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके यहाँ भुजिया और मुरमुरी को क्या बोलते हैं। आज हम बनाएंगे खिचड़ी। 1 बज गया है और हम किसका वेट कर रहे हैं? अपने दोस्तों का। तो वो आएंगे तो हम लोग फटाफट से खिचड़ी बनाना शुरू कर दें। क्या ढूंढ रहे हो प्रिया? क्या बनाने वाले आज, हम सबको बताओ। खिचड़ी। यस, मजेदार सी खिचड़ी बनाएंगे। दिस कुकर फॉर खिचड़ी फॉर 5 पीपल, समझो तुम लोग। दिखा दो सबको उसका क्वांटिटी, दिखा दो। ओके, 2.5 लीटर का तो होगा, 2.5 या 3 लीटर का। ये मस्त है। ये स्टार्टिंग में इसे बनाते हैं, बाद में सब और कितनी डालनी है? नहीं नहीं बस कुकर में तो एक एक वन पॉट मिला है तो बाकी सब तो बाहर ही है। ठीक है। आज मजा आने वाला है। Yes. The making of anything in the process of cooking it itself is therapeutic, and we felt this the whole time we were here, and this made us more grateful every time we thought of it. Hi. Priyanshu, I'm so sorry to spell your name wrong. कोई नहीं, सब लोग नेम में अलग अलग बोलते। खाएंगे चलो मुरमुरे। थक गए हो तुम आज? बहुत ज़्यादा। क्यों? वॉलीबॉल खेलते खेलते 3 घंटे की प्रैक्टिस चल रही थी। पर टोकन भी तो मिलता है फ्री। तो वही टोकन का 50 का लेके आई ना मार। दीदी ने 2 दे दिए और फिर हमने। चलो आज खाएंगे खिचड़ी। प्रिया। यस बोल। एक मछली पानी में गई। छपाक छपाक। दो मछली पानी में गई। छपाक। तीन मछली पानी में गई। छपाक। चार मछली पानी में गई। छपाक। पांच मछली पानी में गई। छपाक। छह मछली मुझे बोलना था। ओ ये देखो गाइस, हम तो उस दिन मैंने बोला था ना आप लोगों को, तो बस इसी के साथ हमारी खिचड़ी भी तैयार हो गई और हमारी फ्रेंड्स भी आ गए, तो हमने साथ में खाया भी और बाद में बहुत सारी गेम्स खेली भी, मजा आ गया। मैं यार। बता कैसा है? अच्छा है भाई, अच्छा है। बहुत बिरयानी की तरह लग रही है। बहुत टेस्टी। नॉनवेज की का बहुत। कम बैक टू द पीजी। और आज का दिन सच में बहुत अच्छा गया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के दिन से ये पता चलता है कि जब आप बड़े होते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटफुल होते हो लाइफ के थ्रू। लाइफ आपको लेसन्स देती है बहुत ज़्यादा, और तब जाके आप ग्रेटफुल होना सीखते हो। जैसे कि आज बहुत दिन बाद हमें बहुत
अच्छी खिचड़ी खाने को मिली, बहुत सादी खिचड़ी थी जो हमने बनाई थी, लेकिन जेन्युइनली उसको खा के बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो घर पे बना था, हम लोगों ने बनाई और इतना ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यू रियलाइज कि आप सिंपल खाने को भी इंजॉय करते हो, तो जब आपको घर पे सिंपल खाना मिलता था आप कैसे अनग्रेटफुल होते थे और कैसे कंप्लेन करते थे कि मामा ये बना देना था ना, ये बना देना था ना। आज के डेट पे ऐसा कुछ नहीं होता है, हाउ ग्रेटफुल वी आर वरलाइज नाउ। जो भी खाना मिलता था हमें घर पे वो कितना डिलिशियस होता था वो आज हमें पता चलता है जब हम सिंपल से सिंपल चीज़ों के लिए भी मरते हैं। तो ये वीडियो बस इसलिए था ताकि फ्यूचर में जाके जब मैं कभी भी अनग्रेटफुल हो जाऊँ लाइफ के टुवर्ड्स, तो मैं ये व्लॉग देखूँ और रियलाइज़ करूँ कि हाँ मेरे कॉलेज के डेज पे मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाती थी और सिंपल खिचड़ी खाने के लिए भी हम सब प्लान करते थे और मिनी पिकनिक ऐसे घर पे मनाते थे। तो ये मेरा एक रीज़न था कि ग्रेटफुल होना मेरा इस मंथ के लिए रेजोल्यूशन था और आई एम सो वेरी मच इन टू दिस प्रैक्टिस एंड आई एम सो ग्रेटफुल। एंड ये था मिनी ब्लॉग। अगर आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कर देना, ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर कर देना। विद दिस यू गाइज नो दैट आई लव यू सो मच एंड मीट यू गाइज सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।